सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपका हर बर्ड का डीएनए होगा हो, ठीक है। कोशिश करें जिससे बर्ड्स ले रहे हैं विद डीएनए लें जी। या अगर आपको सस्ते बर्ड मिल रहे हैं तो आप लेके उनका डीएनए खुद करवा लें। पेयरिंग भी हमेशा सीजन, जैसे कि भी हमारा सीजन स्टार्ट होने आज से एक डेढ़ महीने बाद, एक महीने पहले आपने पेयरिंग कर लें। शुरू में सबसे पहले जो इंसान मैंने देखा ना इस फील्ड के अंदर जो लोगों के साथ होता है वो फ्रॉड होता है। हमारे साथ भी बहुत फ्रॉड हुआ। हमारे दौर पे डीएनए का इतना जो था ना वो नहीं था, ना लैब्स होती थी ना लोग डीएनए करवाते थे। इसमें ये कि थोड़ा रिसर्च करें बेहतर। तो मैं यही हर बंदे को, मैं खुद यही कहता हूँ कि आप आके विजिट करके बर्ड लें। अगर आप नहीं आ सकते, बहुत दूर है या मसला है, जैसे खवातीन होती हैं जो नहीं आ सकती या जिन लोगों की जॉब होती है वो नहीं आ सकते, वो फिर उस ब्रीडर से लें जिसका नाम है, फौरन उसकी तरफ भागते हैं कि बस ये ले लो। ये नहीं देखते कि क्वालिटी क्या है, इवन के ये भी नहीं देखते कि एक अकल की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एक चीज अगर आपको कोई बंदा आधे रेट पे दे रहा है या तो वो चोरी की चीज है या वो फ्रॉड है। इस हॉबी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो ट्रेडिंग करते हैं मुख्तलिफ लोगों के शेड पे जाएंगे, उन बेचारों को इतना कम रेट लगाएंगे कि वो वैसे डिसहार्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्री में जो है ना, जब आपके पास ब्रीड आ जाए तो आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मैंने इसलिए बात शुरू में भी की है कि अगर आप ये सोच के बर्ड्स लगा रहे हैं कि हर महीने मेरा जो है घर इसी से चलना है, बिजली के बिल इसी से होने हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पूरा महीना कोई अच्छी ऑफर नहीं आती। लॉस उसी का ही होता है जो जल्दबाज होता है या जिसको होता है कि मैं फटाफट मार्केट में जाके चीज बेचूं। मार्केट में कभी भी आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड, अगर आपने लिए सस्ते बर्ड है ना तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपका भी महंगा ही बिकेगा, क्योंकि आपने ली घटिया क्वालिटी है, ठीक है। अगर आपने चैंपियन लाइन का बर्ड लिया है तो इसका मतलब कि वो इस वर्थ का है कि शो जीत सकता है, तो आप भी अपने बर्ड को शो में लेके जाएं। आप थोड़ा अपने आप को मनवाएं, लोगों को बताएं, और अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग बर्ड देख के अंदाजा लगा लेते हैं। एक आम ग्रीन फिशर और एक क्वालिटी का ग्रीन फिशर, जमीन आसमान का फर्क है। आपका आम फिशर अभी भी 1000 से 2000 का बिक रहा है और आपका जो प्योर फिशर है वो अभी भी 1 लाख से 2.5 लाख का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। मेरा नाम आमिर खटक है और मैं लबड़ इंडस्ट्री में मुझे 8 से 10 साल हो गए। बाय प्रोफेशन जो हूँ मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लोकेशन जो है मेरी है लाहौर में वॉल्टन के एरिया में। ठीक है, तो आमिर भाई आपने जब स्टार्ट किया था 8-10 साल हो गए, तो 8-10 सालों में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस ना की हो, जिसमें आई इन्फेक्शन है आपका, जिसमें पोलियोमा है। और पोलियोमा में आपको पता है आपको ब्रीड रोकनी पड़ती है। ब्रीड रोकने का मतलब पूरा सीजन वेस्ट, आप डब्बे नहीं लगा सकते। अगर आप डब्बे लगाएंगे तो हर डब्बे में बच्चे मरेंगे, वायरस मल्टीप्लाई होगा। तो शुरू में सबसे पहले जो इंसान मैंने देखा ना इस फील्ड के अंदर जो लोगों के साथ होता है वो फ्रॉड होता है। हमारे साथ भी बहुत फ्रॉड हुआ। हमारे दौर पे डीएनए का इतना जो था ना वो नहीं था, ना लैब्स होती थी ना लोग डीएनए करवाते थे। देसी तरीका होता था बर्ड को चेक करना, ठीक है, या होता था कि दो बर्ड इकट्ठे बैठे हैं तो ये पेयर है। शुरू में जो मेरे साथ भी शुरू में फ्रॉड्स हैं वो ये हुए हैं कि लोग कहते थे कि ये ब्रीडर पेयर है, इवन के बच्चे भी दिखाते थे ये इस पेयर का बच्चा है। घर आके पता चलना वो दोनों ने अंडे दे देने, वो तो दोनों मादियां हैं। लबर्ड्स में दोनों मादियां भी अंडे दे देती हैं और लबड़ में दोनों मेल भी पेयर्स बना लेते हैं। पूरा साल गुजर जाना बर्ड ने ब्रीड नहीं करना। अगला आपको झूठ बोलता था कि आप विटामिन अच्छे नहीं देते, आपका माहौल नहीं अच्छा। वो कभी गलती से आपने उनको फ्लाइंग केज में छोड़ना, आपने देखना वो तो दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तब आपको पता चलना ये तो दोनों मेल थे, वो बंदा तो झूठ बोल रहा था। शुरू में सबसे बड़ा यही होता है कि लोग फ्रॉड करते हैं इसमें, ठीक है। लोग आपको गलत बताते हैं, लोग आपको गलत एज दे के बताते हैं। अब जैसे ब्रीडिंग सीजन तैयार है ना, तो लोग कहेंगे ये बर्ड रेडी टू ब्रीड है, चाहे वो 2-3 महीनों का। अगले बंदे का टाइम जाया होता है। अब अगले बंदे का टाइम जाया होता है लेकिन वो बंदा झूठ बोलता है, वो कहता है नहीं भाई 4 महीने लगते हैं बर्ड को एडजस्ट होने में। वो बर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा होता, वो भी होता ही छोटा है। वो जैसे ही अपनी एज पे पहुंचता है उसने ब्रीड करना ही करना है। तो मैं जितने भी हमारे ब्रीडर हजरात हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर एक नया बंदा अपने पैसे जोड़ के या एक यकीन के साथ आपके पास आया है
तो आप एटलीस्ट किसी को झूठ बोल के अपनी चीज ना बेचें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें। फिर इस बिजनेस में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऑनलाइन आपको बर्ड कुछ दिखाएंगे, अगले को जब मिलेगा नंबर बंद होगा, वो बेचारा आप कॉलें करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो फेसबुक पे पोस्ट लगा देता है, और उस बंदे को या तो कोई जानता ही नहीं है, या जो कोई जानता भी है तो उस बेचारे के साथ भी फ्रॉड हुआ होता है, नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मेरे भी पैसे डूब गए। हाँ जी, ऐसी है। तो इसमें यह है कि थोड़ा रिसर्च करें, बेहतर तो मैं यही हर बंदे को, मैं खुद यही कहता हूँ कि आप आके विजिट करके बर्ड लें। अगर आप नहीं आ सकते, बहुत दूर है या मसला है, जैसे खवातीन होती हैं जो नहीं आ सकती, या जिन लोगों की जॉब होती है वो नहीं आ सकते, वो फिर उस ब्रीडर से लें जिसका नाम है, जिसको लोग जानते हैं, जो बर्ड बेच के अपना नाम कभी भी नहीं खराब करेगा। तो हमारे साथ भी ये सब हो चुका है, फ्रॉड भी हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता ये वाला फ्रॉड नहीं हो चुका पैसों वाला, ठीक है। मैंने हमेशा बर्ड खुद जाके लिया है, इवन के आउट ऑफ सिटी से भी लेना होता था मैं जाके बर्ड लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि बर्ड सिर्फ लाना नहीं है, मैंने इसको पूरा साल रख के इसे ब्रीड करवानी है, तो मैं वो जो ट्रेवलिंग के पैसे बचा रहा हूँ, बेहतर है कि मैं खुद जाके बर्ड जो है वो ले लूँ। तो अमर भाई, असल में मसला ये है कि इसमें जो है ना रीढ़ की हड्डी, मैं तो जो समझता हूँ ना, वो न्यू फैंसियर है इस कारोबार में। तो जो न्यू फैंसियर को, जो हर बंदा तो नहीं, मेरे ख्याल में कोई 20% 25% ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है, उनका काम ही सिर्फ लोगों को धोखा देना है। ये अब आप फेसबुक पे अगर जाएं ना, तो फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा, पहले तो नज़र इतनी नहीं आती थी अपना, अब तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें इसी पे शेयर की होती हैं कि ये फलाने बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, वो नीचे फिर लोग शुरू हो जाते हैं वो, और ये बातें नहीं कर रहे होते, साथ साथ उन्होंने अपने जो पैसे सेंड किए होते हैं ना, वो भी उन्होंने पोस्ट की होती है साथ, ये मैंने अक्सर देखी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये क्या वजूहात हैं, क्यों, क्या उनका लालच होता है न्यू फैंसियर का कि मैं सस्ते बर्ड ले लूँ, या कोई और वजह होती है? बिल्कुल ऐसा ही है, अक्सर लोगों को जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, इनको यही होता है कि यार अल्बाइनो आप तो इतना महंगा दे रहे हैं, नेट से तो इतने का मिल रहा है, तो वो कहते हैं यार ये सही दे रहा है, बहुत महंगा दे रहा है, फौरन चीज उठा लो। या हमारे पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक ये है कि जब भी कोई कहाँ देखते हैं ना कि चीज सेल पे मिल रही है या डिस्काउंटेड मिल रही है, फौरन उसकी तरफ भागते हैं कि बस ये ले लो, ये नहीं देखते कि क्वालिटी क्या है, इवन के ये भी नहीं देखते कि एक अकल की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एक चीज अगर आपको कोई बंदा आधे रेट पे दे रहा है, या तो वो चोरी की चीज है या वो फ्रॉड है। जिस बेचारे ने खुद रखी है, जो ब्रीडर्स है, मेरी वीडियो देख के खुद लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बर्ड ब्रीड करवाने का मतलब होता है बर्ड को लेके आना, फिर वेट करना कि पेयर जो है वो फीड करवा रहा है, फिर क्रॉस कर रहा है, फिर अंडा आना है, फिर अंडों की हैचिंग होनी है, बच्चे पलने हैं, फिर बच्चा सेल्फ होना है। जी। ये पूरा एक प्रोसेस है, एकदम इस तरह नहीं होता। हाँ, इस हॉबी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। मुख्तलिफ लोगों के शेड पे जाएंगे, उन बेचारों को इतना कम रेट लगाएंगे कि वो वैसे डिसहार्ट हो जाते हैं। सही है। और उनको आगे से कहेंगे कि भाई ये बेस्ट है, तुम्हें ये फायदा होगा कि मैं तुम्हारा सारा माल उठा लूंगा। अगला भी कहता है कि यार सुबह से इतनी कॉल्स आ रही हैं, बर्ड तो बिक नहीं रहा, तो बजाय इसके कि अब मैं इन टेंशन में पड़ूं, वो बेचारा दिल बर्दाश्ता होके ना सारे बर्ड जो है वो सेल कर देता है। मेरे अपने पिछले मोहल्ले में मुझे किसी ने बताया कि एक बंदे ने सारा शेड वाइंड अप किया है, और उससे किसी ब्रोकर ने जो है ऑफलाइन जो है वो 2000 पर पीस के हिसाब से खरीदे हैं, और वो इतना बंदा डिसहार्ट था कि वो कहता है कि बस ले जाओ, वो इतना तंग था। तो ये आपके ख्याल में तंग आने की वजह क्या है कि एक बंदा जो हॉबी को कर रहा है, क्या उसे मसला बना कि उसने अपना सारा वो शेड ही, क्या उनके बर्ड सेल नहीं होते, क्या वो मार्केटिंग अपनी सही नहीं कर पाते, या उनको आइडिया नहीं होता अपने बर्ड का कि हमारे बर्ड कीमती हैं? दो तीन बातें इसमें मैं लोगों को यही कहता हूँ कि लव बर्ड इंडस्ट्री में जो है ना, जब आपके पास ब्रीड आ जाए जी, तो आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मैंने इसलिए बात शुरू में भी की है कि अगर आप ये सोच के बर्ड्स लगा रहे हैं कि हर महीने मेरा जो है घर इसी से चलना है, बिजली के बिल इसी से होने हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पूरा महीना कोई अच्छी ऑफर नहीं आती जी। लेकिन अपने बर्ड्स की वर्थ या वैल्यू आप खुद जानते हैं, आपको पता है कि मैंने इन पे कितना टाइम लगाया है, मैं इनको कितनी महंगी डाइट और सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ, और मैंने कितनी महंगी परचेजिंग की है। अगर आप अपनी एक वर्थ रखते हैं और आपके पास होल्डिंग पावर है, आप कभी भी वो नहीं सेल करेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बर्ड सेल नहीं होता या सारे बायर्स ही सस्ते बर्ड ढूंढते हैं, ये सिर्फ जो ब्रोकर्स होते हैं या वो लोग जिनको जल्दी होती है कि बस सस्ती चीज लें ब्रीड करवाएं, वरना बहुत सारे हमारे ऐसे फैंसियर्स हैं जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, और उनको पता भी होता है कि इसके पास क्वालिटी बर्ड है, वो खुद ही आपका बर्ड जो है ना अच्छी प्राइस पे सेल हो जाता है। लॉस उसी का ही होता है जो जल्दबाज होता है, या जिसको होता है कि मैं फटाफट मार्केट में जाके चीज बेचूं, मार्केट में कभी भी आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, ठीक है।
थर्ड, अगर आपने लिए सस्ते बर्ड है ना, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपका भी महंगा ही बिकेगा, क्योंकि आपने ली घटिया क्वालिटी है, ठीक है, और घटिया चीज से कभी भी अच्छी चीज जो है वो नहीं निकल सकती। अगर आपने गधे रखे हुए हैं, उसमें से घोड़े कभी भी नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो ये एक सिंपल और गधे घोड़े का मूल भी एक जैसा नहीं, एक जैसा नहीं होता। हाँ जी, अच्छा अमर भाई, एक और भी वजह है कि एक चैंपियन है इस फील्ड में, उसकी ब्लड लाइन चैंपियन ब्लड लाइन वाला बर्ड मैं परचेज कर लेता हूँ, मैं उसकी ब्रीड करवा लेता हूँ, तो फिर मैंने जब सेल करना है, वो मेरा जो चैंपियन ब्लड लाइन का बर्ड तो है, लेकिन मुझे वो प्राइस नहीं मिलेगी जो चैंपियन उस चैंपियन को मिल रही है, ये क्या वजह है? इसमें वजह सबसे पहले तो ये है कि वो बंदा चैंपियन बना कैसे? चैंपियन आप तब बनते हैं जब शोज होते हैं, शोज में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपका बर्ड जीतता है, और उसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? सारे ब्रीडर्स, वो लोग जो इस हॉबी से जुड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं। शो में वही बंदा आता है जिसको पता होता है कि बर्ड शो में किस तरह लेके जाना है। एक तो ये तरीका है अपने आप को मनवाने का। दूसरा, आजकल मैंने आपको बताया मीडिया का दौर है, अगर तो लोग फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू आपको जानते हैं, आप इस हॉबी में पुराने हैं, तो फिर तो आपका बर्ड बिकेगा। लेकिन कोई नया बंदा अगर महंगा बर्ड ले ले, ना वो शो में अपना बर्ड लेके आता है, ना फेसबुक पे वो कोई तस्वीर उसने लगाई, ना उसका यूट्यूब चैनल है, अब उसके पास आ गई है ब्रीड, अब वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने जितने का लिए उतने के बिके, तो आई एम सॉरी, उतने का नहीं बिकेगा। आपको अपना ब्रांड खुद डेवलप करना है, आपको अपना नाम खुद डेवलप करना है, और नाम डेवलप करने के यही मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, या शोज में जाएं। अगर आपने चैंपियन लाइन का बर्ड लिया है, तो इसका मतलब कि वो इस वर्थ का है कि शो जीत सकता है, तो आप भी अपने बर्ड को शो में लेके जाएं। जब आपका बर्ड शो में फर्स्ट सेकंड या थर्ड आएगा, आपको पता है शो में जो बर्ड जीतता है, काफी लोग तो वहीं पे उसको ऑफर दे देते हैं कि इतने का दे दें। अभी लास्ट टाइम में जो आपका शो जीता है, इसमें जो फर्स्ट बर्ड आया था, उसको वहीं पे ऑफर हो गई थी कि इतने का दे दो। और अगर ऑफर नहीं भी होती, फेसबुक पे इतनी पोस्ट लग जाती है कि इसका बर्ड फर्स्ट आया, कि सारे लोगों को पता चल जाता है, हर बंदे की नजर होती है कि यार जब ब्रीड आएगी ना, इससे ये वाला बर्ड लेना है, इसका ये बर्ड जीता है। तो ये एक तरीका है अपने आप को लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। जिसको कोई जानता ही नहीं है, जिसने कभी मार्केटिंग ही अपनी नहीं की, तो वो किस तरह एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मैंने महंगा लिया, मेरे से हर कोई महंगा ले। आप थोड़ा अपने आप को मनवाएं, लोगों को बताएं, और अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग बर्ड देख के अंदाजा लगा लेते हैं। एक आम ग्रीन फिशर और एक क्वालिटी का ग्रीन फिशर, जमीन आसमान का फर्क है। आपका आम फिशर अभी भी 1,000 से 2,000 का बिक रहा है, और आपका जो प्योर फिशर है वो अभी भी 1,00,000 से 2,50,000 का बिक रहा है। सेम मोटेशन, सेम कलर, देखने में जमीन आसमान का फर्क। तो अब वो टाइम आ गया है कि जो लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं ना, अगर आपने महंगे बर्ड लिए हैं और आपका नाम है, तो लोग आपसे भी महंगा ही लेंगे। ठीक ठीक हो गया। तो अमर भाई, हमें अपने बर्ड की पेयरिंग कैसे करनी चाहिए, और पेयरिंग का तरीका क्या है जब बर्ड लेके आए? पेयरिंग का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपका हर बर्ड का DNA होगा, ठीक है। कोशिश करें जिससे बर्ड्स ले रहे हैं विद DNA लें, या अगर आपको सस्ते बर्ड मिल रहे हैं तो आप लेके उनका DNA खुद करवा लें, लेकिन DNA बहुत जरूरी है। और पेयरिंग भी हमेशा सीजन, जैसे कि अभी हमारा सीजन स्टार्ट होना है आज से 1-1.5 महीने बाद, 1 महीने पहले आपने पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग कभी भी, कुछ पेयरिंग फॉरन भी बन जाती है, आपने बर्ड को छोड़ा इकट्ठे बैठ गए, कुछ पेयरिंग बनते बनते महीना लग जाता है। तो अगर आप बिल्कुल जिस दिन डब्बा लगा रहे हैं उस दिन इकट्ठे इकट्ठे दो छोड़े हैं, तो वो महीना तो ऐसे ही आपको गुजर जाएगा, या तो फीमेल डब्बे में बैठी होगी वैसे ही मेल से डरी भी होगी। इसका बेस्ट तरीका है अपने बर्ड्स का DNA एटलीस्ट महीना पहले करवा लें। महीना पहले अपने बर्ड्स को सेपरेट कर लें, जिस केज में आपने उनसे ब्रीड लेनी है उसमें 1 by 1 पेयरिंग कर लें, तो इंशाल्लाह पेयरिंग हो भी जाती है। और एक और चीज, जितनी कम एज के बर्ड को जल्दी पेयर अप करेंगे, वो जल्दी ब्रीड पे आ जाएगा। तो क्या अंडे फोस्टर करना बेहतर है या चिक्स फोस्टर करना बेहतर है? अंडे फोस्टर करना बेहतर है, सही है। चिक्स तब फोस्टर करना बेहतर है जब आपने चिक्स की साइजिंग करनी हो। जी। 4 बच्चे निकल आए हैं, अब बच्चा जो है वो 1 दिन के गैप से निकलता है। अगर आज पहला निकला है तो कल नहीं दूसरा निकलेगा, कल के अगले दिन निकलेगा, क्योंकि फीमेल अंडा भी 1 दिन के गैप से देती है। तो जब पहला बच्चा निकल आए और चौथा बच्चा, 8 दिन का गैप है, 8 दिन में बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, छोटा जो निकला है वो बिल्कुल इतना सा है। और जब बच्चा अंडे से हैच होता है तो वो अभी थोड़ा गीला होता है, उससे तो हिला भी नहीं जाता। फीमेल उस पर काफी देर बैठती है, फिर उसको ड्राई करती है। लेकिन जब 4 बच्चे निकल आए ना, तो फीमेल बाहर जाती है फीड खाने के लिए भी। अब जो सबसे छोटा है ना, उसने उनके नीचे आके दब के मर जाना है, तो ऐसी सूरत में फिर छोटे को उठा के फॉस्टर कर लें। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने अंडों की प्रॉपर वो डेट्स लिखी है ना, तो आपको ये भी पता होता है आखिरी अंडा कौन सा है, आप आखिरी अंडे को ही मां रख देते हैं जहां अभी निकलने हो, फिर आपको बच्चे का वेट ही नहीं करना पड़ता। जी, जी। तो कुछ जो हमारी फीमेल्स होती है ना, वो अग्रेसिव होती है, वो ना प्लकिंग करती है,
तो ये प्लकिंग की क्या वजूहत है और इस हैबिट से हम अपनी फीमेल को कैसे रोकें? प्लकिंग पे काफी रिसर्च हो चुकी है, अभी तक इस पे कोई एक डिसीजन जो है ना वो किसी ब्रीडर का नहीं आया। उन्होंने इसकी डिफरेंट रीजंस बताई हैं। किसी ने कहा है कि बर्ड्स में मिनरल की कमी होती है, किसी ने कहा है कि ये एक आदत होती है, जिस तरह कई लोगों की आदत होती है वो इस तरह उंगलियों को करेंगे, ठीक है, कई लोग होंठ को इस तरह करते हैं। अब आप उनको जो मर्जी कह दें, उनकी आदत है, वो नहीं बदल सकती। तो कई फीमेल्स की आदत होती है। अच्छा, अब आदत बनती क्यों है, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। कई फीमेल जब सारा दिन उसने बॉक्स में रहना है बच्चों के साथ, उसको कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही, आप उसको कोई मोरिंगा के ब्रांचेज या टहनियां नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, वो सिर्फ दाना खाती है, डब्बी में बैठी रहती है, वो फिर प्लक करना शुरू कर देती है, उसकी आदत बन जाती है। अब जरूरी नहीं है कि उसकी मिनरल की कमी है तो वो परों, वो उसकी आदत है, आप उसको नहीं बदल सकते। जहां आदत बन जाए ना, वहां पे आप जो मर्जी कर लें। इवन के लोग कहते हैं कि काला मुसब्बर लगा लें, एलोवेरा जेल लगा लें, वो कड़वा होता है, वो जब तक उसका असर है तब तक तो वो थोड़ी रुक जाएगी, चार पांच दिन बाद उसका असर खत्म ही होना है, वो फिर शुरू हो जाएगी। तो प्लकिंग इतना कोई इटसेल्फ नहीं है। हाँ, अगर आपके बहुत महंगे म्यूटेशन के बर्ड्स हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा सेल्फ होते प्यारा लगे, मैंने इसकी तस्वीरें लगानी होती हैं, तो आप फिर उन बच्चों को वहां फॉस्टर कर दें जो पेयर नहीं प्लक करता, वरना प्लकिंग इज नॉट एन इश्यू। जब बर्ड सेल्फ होता है, दो तीन हफ्ते में दोबारा फिल हो जाता है, फिल हो जाता है, वो कोई इतना मसला नहीं है। तो कुछ मेल जो है वो स्टिक क्रॉस कर रहे होते हैं, ये भी एक हैबिट ही है मेरे ख्याल में, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, हर टोटका आजमा चुके हैं कि स्टिक पे क्रॉस करते हैं, स्टिक हटा दें, वो दाने के बर्तन पे क्रॉस करने लग जाएगा, दाने का बर्तन हटा दें, वो पानी के, आप सारा कुछ हटा दें, वो जाली के साथ शुरू हो जाएगा क्रॉस करना। मैंने इस पे काफी किया हुआ है और इन द एंड यही होता है कि पूरा सीजन ही जाया होता है, ठीक है। कई लोगों से मैंने सुना है कि स्टिक हटाई तो बर्ड सही हो गया, लेकिन बहुत कम इसकी होती है। मैं यही लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई बर्ड स्टिक क्रॉस कर रहा है, आप उससे ब्रीड ना लें। अच्छा। और उसको किसी को सेल भी ना करें जी। या तो मार्केट में सेल कर दें, क्योंकि मार्केट में अक्सर शौकीन लोग भी आते हैं जो अपने बच्चों के लिए बर्ड्स लेते हैं, जिनका मकसद ब्रीड करवाना नहीं होता। जब आप नेट पे या पोस्ट लगा के बर्ड बेचते हैं ना, वो वही बंदा लेता है जिसने ब्रीड करवानी हो, तो उस बेचारे का भी नुकसान होगा। स्टिक क्रॉस वाले बर्ड का मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई इसका इलाज नहीं है, आप उस बर्ड से ब्रीड नहीं ले सकते। हाँ, आप उस बर्ड को फॉस्टरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसको लगा दें फीमेल के साथ, अंडे वैसे ही सारे इनफर्टाइल होने हैं, उनके अंदर ब्लड बनना ही नहीं है, आप उन फीमेल के नीचे फर्टाइल अंडे रख दें, वो मेल फीमेल को भी फीड कराएगा, बच्चे भी अच्छे पाल।